hard to breathe, but that's alright. बकवास रूल को नहीं मानता। फिर वो रेड आईज वाले वैम्पायर सुगा के ऊपर अटैक कर देता है और तभी ही जंगू का जाता है। फिर उन दोनों के बीच फाइट होता है विद सुपरनैचुरल पावर्स, बट वो रेड आईज वाला वैम्पायर कमजोर हो जाता है, इसलिए वो अपना जान बचा के वहाँ से भाग जाता है, बट उसका एक कॉइन वहाँ पर गिर जाता है। सॉरी यंग, वो आज भी मुझसे बच गया। ठीक है जंगकुक, तुम उसे हरा तो पाए, ये बहुत बड़ी बात है, बट मुझे वैम्पायर बन के नहीं रहना और मेरी ताकत भी लॉस हो रहा है। बट तुम्हें फिर से ह्यूमन बनने के लिए एक ह्यूमन प्योर ब्लड चाहिए। बट वो हम कहाँ से लाएंगे? वो तो तुम्हें ढूंढना पड़ेगा, और जब तुम्हें प्योर ब्लड मिल जाएगा तब तुम्हें खुद ही पता चल जाएगा। ओके, मैं ढूंढने की कोशिश करूँगा। हाँ, तभी वो कॉइन चमकता है, फिर सुगा और जंगकुक दोनों जाके वो कॉइन उठाते हैं और देख ही रहे थे, तभी एक मैजिक होता है। मैं कहाँ हूँ? ये कौन सी जगह है? सर, आप तैयार हो जाइए, आपको कॉलेज भी जाना है। क्या कॉलेज? ये क्या होता है? आज इनको क्या हो गया? ये ऐसे बिहेव क्यों कर रहे हैं? सर, कॉलेज पढ़ने के लिए होता है, आप जाइए, रेडी हो जाइए। बताओ ना कि कॉलेज क्या होता है और मैं कहाँ हूँ, तुम कौन हो? सर, मैं आपका गार्ड हूँ, आपको प्रोटेक्ट करने के लिए हूँ, और कॉलेज में पढ़ाई करते हैं ना, और आप अभी अपने घर पे हैं। बट ये तो मेरा घर ही नहीं है, और युंगी यंग कहाँ पे है? वो तो अपने घर पे होंगे ना। मुझे उनसे मिलना है। सॉरी सर, आप अभी नहीं जा सकते, आपको अभी कॉलेज जाना है, और आपका आज कॉलेज में फर्स्ट डे है, सो हम लेट हो रहे हैं, आप जल्दी जाइए, रेडी हो जाइए। नहीं, मुझे योंगी ह्योंग से मिलना है, प्लीज जाने दो। फिर गार्ड जबरदस्ती जंगकुक को कॉलेज के लिए रेडी करता है। बेबी बेबी उठो ना। क्या बेबी, तुम कौन हो और मैं कहाँ हूँ? अपने घर पे हो बेबी, रात का नशा अभी तक नहीं उतरा है क्या? बट ये तो मेरा घर ही नहीं है। सुनो, ज्यादा मत बनो और मेरे पैसे निकालो। कौन से पैसे और किस बात के पैसे चाहिए तुम्हें? कल मेरे साथ रात में सोने के लिए, पैसे निकालो जल्दी, मुझे बहुत काम है। हाँ तो सोने के लिए पैसे कौन लेता है? रात को जब मेरे साथ मस्ती कर रहे थे तब तो तुम बहुत स्मार्ट बन रहे थे। जल्दी पैसे निकालो, नहीं तो मार डालूंगी।
चली जाती है। वहाँ
वहाँ से चली जाती है। हाँ? आंखें टकरा भी गई और सॉरी बोल के चल भी गई। मेरी तो बात सुन लेती। और ये कैसी लड़की है, इसके अंदर से कुछ अलग ही स्मेल आ रही थी मुझे। मैं तो कभी ह्यूमंस ब्लड ट्राई नहीं किया, बट इसकी ब्लड की स्मेल से मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि मुझे इसकी ब्लड टेस्ट करना चाहिए। कॉलेज ज्वाइन किए हुए 7 मंथ पूरे हो गए हैं। तुम कभी एक दिन भी जल्दी आई हो? तुम ऐसा क्या करती हो जो इतनी लेट आती हो हमेशा? सॉरी सर, प्लीज आज के लिए माफ कर दीजिए, आगे लेट नहीं करूंगी। जल्द से ज्यादा जल्दी आने की कोशिश करूंगी, प्लीज आज माफ कर दीजिए, सॉरी। ओके, अपने सीट में जाके बैठो और अपना होमवर्क यहाँ पर सबमिट करके जाओ। ते होमवर्क सबमिट करके अपने सीट में जाकर बैठ जाती है। थैंक गॉड आज मैं बच गई, मुझे तो लग रहा था कि मुझे ये क्लास में घुसने ही नहीं देंगे। ते तुम कब रिस्पॉन्सिबल होगी? देखो तुम्हारे इस होमवर्क को, क्या लिखा है तुमने इसमें? हमेशा तुम्हारा होमवर्क गलत होता है, नहीं तो उसमें पानी फैल जाता है, नहीं तो उसमें कुछ ना कुछ लगा होता है। ये क्या है? तुम बहुत अच्छी पढ़ाई करती हो, इसका मतलब ये नहीं है कि तुम असाइनमेंट पूरी नहीं करोगी, होमवर्क पूरी नहीं करोगी। सॉरी सर, वो मैं काम करते करते होमवर्क पूरी कर रही थी, इसलिए थोड़ा गलत हो गया। आई एम सो सॉरी, प्लीज माफ कर दीजिए। हेलो मायामी फ्रेंड, कैसे हो आप लोग? और ये न्यू स्टोरी आपको कैसी लगी मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। और जैसे आप लोग पिछले सारे स्टोरी को प्यार कर रहे थे, इस स्टोरी को भी बहुत सारा प्यार देना। ओके, लव यू ऑल। और आज हमारी कुछ आर्मी फ्रेंड का बर्थडे है, और कल भी था और आगे आने भी वाला है, सो मैं उन्हें बोलना चाहती हूँ हैप्पी बर्थडे, गॉड ब्लेस यू, टेक केयर, सरंगे। हेलो माय आर्मी फ्रेंड, सरंगे, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आपको ये पार्ट कैसा लगा मुझे कमेंट में बताना, और लाइक से सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि वो सब आपके लिए मुफ्त।